राजस्थान के टोंक में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं लेता। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया, जवाब में पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने हंगामा कर रहे नरेश मीणा के समर्थकों को भी हिरासत में लिया। हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग भी की जा रही है। लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आपको बता दें कि उपचुनाव की वोटिंग के दौरान नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी में बहस हो गई। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन पर उनका चुनाव चिन्ह बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। इसी बहस के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद ही सारा बवाल शुरू हुआ। इस वक्त दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली वो तस्वीर है जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। गुस्से में नरेश मीणा पोलिंग बूथ पर मौजूद थे और उसी दौरान उन्होंने एसडीएम पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और दूसरी तस्वीर आप इस वक्त की देख रहे हैं जहां पर लगातार टोंक में इस वक्त आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। लाठी डंडे लिए हुए नरेश मीणा के समर्थक इस वक्त वहां पर इकट्ठा हुए पड़े। सूत्रों के मुताबिक नरेश मीणा को इस पूरे घटनाक्रम के बाद थप्पड़ मारने के घटनाक्रम के बाद हिरासत में लिया गया और उसी का गुस्सा इस वक्त उनके समर्थक इस तरीके से आगजनी करते हुए दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी करते हुए दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आगजनी की तस्वीरें हैं। कई वाहनों में आग लगा दी गई, कई वाहनों को आग के हवाले किया गया। और इसके अलावा नरेश मीणा के समर्थक जब बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे तो बाकायदा माइक लेकर लोगों को इकट्ठा किया गया। और इसके अलावा लाठी डंडे लिए हुए वहां पर लोग पहुंचे और पुलिस सिचुएशन को संभालने की कोशिश जरूर कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद भी हैं, लेकिन हालात पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है क्योंकि समर्थक बड़ी संख्या में है। अंधेरा इस वक्त वहां पर है। पुलिस हवाई फायरिंग भी कर रही है समर्थकों को तितर बितर करने के लिए। बाकायदा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन समर्थकों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। और ये जो इस वक्त वहां पर हंगामा हो रहा है, वहां पर देखिए बड़े ये ऊपर से टॉप एंगल से लिया गया ये शॉट है जहां पर आप देख रहे हैं कि समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए और देखिए मोबाइल की टॉर्च जलाकर बाकायदा नरेश मीणा को समर्थन दिया जा रहा है। नरेश मीणा के समर्थन में कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए ये तस्वीर आप देखिए। बाकायदा मोबाइल की टॉर्च जगाकर नरेश मीणा को समर्थन दिया जा रहा है क्योंकि नरेश मीणा कुछ हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव किया, कई वीडियोस अपलोड किए और उस वीडियो के जरिए नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से टोंक में इकट्ठा होने के लिए कहा था। तो नरेश मीणा इस वक्त कहां पर है ये भी अभी पता नहीं चल पा रहा है कि नरेश मीणा कहां पर मौजूद है क्योंकि नरेश मीणा के को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से बवाल हो रहा है ऐसे में पुलिस उनकी तलाश जरूर करेगी क्योंकि उन पर मामला दर्ज किया गया है। एसडीएम को थप्पड़ मारने का ये पूरा मामला है। नरेश मीणा ने जिस तरीके से थप्पड़ मारा ऐसे में एक एसडीएम पर, एक प्रशासनिक अधिकारी पर इस तरीके से थप्पड़ मारना उसे ये जाहिर तौर पर एक अपराध है। लेकिन नरेश मीणा ने अपने शक्ति बल का प्रदर्शन कुछ इस तरीके से किया है कि उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा होने के लिए कहा। उनके समर्थक जब बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए तो सिचुएशन वहां पर खराब होती गई। शाम होते होते समर्थक वहां पर इकट्ठा हुए और अब देर रात हंगामा वहां पर हो रहा है क्योंकि समर्थक पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। 250 से 300 पुलिसकर्मी आसपास के जिलों से बुलाए गए हैं। पुलिस की कई टुकड़ियों को वहां पर तैनात किया गया है लेकिन सिचुएशन नहीं संभल पा रही। सिचुएशन अभी भी वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नरेश मीणा फरार होने में कामयाब हो गया है। नरेश मीणा इस वक्त कहां पर मौजूद है उसकी मौजूदगी के बारे में अभी कोई जानकारी पुलिस को नहीं है। नरेश मीणा इस वक्त कहां पर है क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि नरेश मीणा को हिरासत में नहीं लिया गया है, वो भी फरार है और फरार होने में नरेश मीणा कामयाब हो गया। ऐसे में समर्थक जिस तरीके से वहां पर अड़े हुए हैं अभी पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है कि आखिर नरेश मीणा के समर्थकों को कैसे कंट्रोल में लाया जाए।